आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। प्रशांत किशोर की जन सुराज यात्रा फिर परसों से शुरू होगी। उनके घुटनों में परेशानी थी जिसके कारण करीब 20 दिन ये यात्रा रोक दी गई थी। डॉक्टर उन्हें आराम की सलाह दिए थे। अभी कुछ देर पहले प्रशांत किशोर ने फिर से नीतीश सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि बिहार की जनता जो है अफसरशाही, भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी से परेशान है। जब तक इसमें सुधार नहीं लाया जाएगा, आगे की 10 वर्षीय कोई योजना नहीं बनाई जाएगी, बुजुर्ग लोगों को साथ लेकर जो उसमें एक तरह से कह लीजिए कि जो उसके जानकार हैं योजनाओं के, उनसे सलाह लेकर जब तक योजनाएं नहीं बनेंगी तब तक बिहार इसी तरीके के भ्रष्टाचार से, अफसरशाही से और कमीशनखोरी से परेशान रहेगा। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, आपको सुनवाते हैं। वो है तीन चीज जिससे सबसे ज्यादा जनता परेशान है, वो है अफसरों की मनमानी, अफसरशाही से परेशान जनता, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार और हर सरकार की योजना, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की, उसमें व्यवस्थित तरीके से काटे जाने वाला पीसी, दलाली, भ्रष्टाचार। ये तीन चीज हर जगह, हर पंचायत, हर गांव, समाज का हर वर्ग इससे प्रभावित है। गरीब, अमीर, पत्रकार, जनप्रतिनिधि, हर व्यक्ति इन तीन चीज से परेशान है। और इसके अलावा शराब माफिया, बालू माफिया और कानून व्यवस्था, ये छह चीज जो है हर व्यक्ति समाज में इसकी चर्चा कर रहा है। लोग चुन समझ जाए, अच्छे लोग चुनकर आ भी जाए तो उनके पास बिहार को सुधारने के लिए एक सोची समझी योजना भी होनी चाहिए। वो ये योजना अफसरों की बनाई हुई नहीं होनी चाहिए। बिहार के लोगों के समाज को निचले स्तर पर समझकर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, ग्रामीण विकास, शहरीकरण, इन विषयों पर समाज से चर्चा करके विशेषज्ञों से राय लेकर 10 साल की एक योजना बने ताकि 10 साल में बिहार को भी समृद्ध राज्य बनाया जा सके। तो लोग सुधरे, सही लोगों का चुनाव करें, उनके सामने सही लोगों का विकल्प हो और उसके पास एक अच्छी योजना हो। इन तीनों चीजों के समायोजन से ही आप बिहार का सुधार कर सकते हैं। तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, आठवां मोर्चा की बात नहीं है। मोर्चे तो बनते ही बिगड़ते रहे, चुनाव होता ही है, चुनाव कोई ना कोई जीतता ही है। और आज से नहीं, पिछले 50 साल में 27 से ज्यादा लोग बिहार में मुख्यमंत्री बने हैं, उससे तो बिहार नहीं सुधरा। जब तक आप इन तीनों चीजों का समायोजन नहीं करेंगे, समाज में जागृति नहीं आएगी अपने और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, अच्छे लोगों का चुनाव नहीं होगा और जो लोग चुनकर आ रहे हैं उनके पास बिहार को सुधारने की कोई योजना नहीं होगी, तब तक बिहार को नहीं सुधारा जा सकता है। तो आपने सुना, ये थे प्रशांत किशोर। फिर आज 9 तारीख है, 11 तारीख से जन सुराज यात्रा वहीं से शुरू करेंगे जहां उन्होंने विराम दिया था, क्योंकि डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी थी। उनके घुटनों में थोड़ी परेशानी आई थी चलते चलते, जिसके कारण डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी थी। अब देखना यह है कि 11 तारीख से फिर से जब यात्रा प्रशांत किशोर शुरू करेंगे तो क्या वो उसी लय में होंगे या उसमें थोड़ी कमी दिखेगी, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।